छत्तीसगढ़ के जम्मो खबर ला देखे बर देखत रहो आरजे न्यूज और हमर चैनल ला सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाए बर झन भुलाहु। चलिए आपको सीधा ले चलते हैं भाजपा कार्यालय, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीमा के नीचे और गरीब लोग हो उसकी अभिव्यक्ति देने के लिए एक बड़ा अभियान भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ किया है। प्रदेश व्यापी अभियान आज सभी जिलों में हमारे सभी वरिष्ठ साथी, प्रदेश के पदाधिकारी, विधायक, सांसद, विभिन्न पदों में रहने वाले व्यक्ति सबकी अलग अलग जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता के बीच जाने का अभियान की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। और इसलिए आज मैं आपके बीच, रायपुर में आपके बीच हूँ। मेरे साथ जिला के सम्मानीय अध्यक्ष श्री चंडी हैं, दोनों मेरे जिले के महामंत्री साथ में हैं, जिले की पूरी टीम। और आज जो महत्वपूर्ण विषय है, इतिहास में सबसे ज़्यादा असफल और अलोकप्रिय सरकार के रूप में इस 2.5 साल में ही भूपेश जी ने एक कीर्तिमान अपना स्थापित किया। नारा दिया था कांग्रेस ने, वक्त है बदलाव का। 2.5 साल में ही जनता कहने लगी है अब ये वक्त है पछतावे का। और ये पछतावा ऐसी सरकार जिसके पास नीतियां हैं तो कमीशन खोरी के लिए, जिसके पास योजनाएं हैं तो सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए, निर्णय है तो विशुद्ध राजनीति के लिए, विकास के काम हैं विज्ञापनों के लिए। और असलियत में विकास के कामों से कोसों दूर ये सरकार। और अब जनता कह रही है, युवा कह रहा है, मजदूर कह रहा है, हमारी बहनें कह रही है कि अब तो बहुत हो गया। भूपेश जी सवाल तो पूछे जाएंगे, ये जन जन से आवाज निकलने लगा, सवाल तो पूछे जाएंगे और भूपेश जी जवाब तो देना होगा, क्योंकि 2.5 साल का कार्यकाल उस घोषणा पत्र को हाथ में लिए लिए जिसके आधार पर इन्होंने वोट दिया था, उस घोषणा पत्र को लिए लिए आम व्यक्ति की सोचता है तो 36 वादों का क्या हुआ, क्या स्थिति में 2.5 साल में प्रदेश को ले जाकर छोड़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से पूरी सरकार पूरे छत्तीसगढ़ में जीरो है। कहीं भी चले जाएं, ना नया स्कूल, नई सड़क, ना नया अस्पताल, कहीं विकास के नाम से आपको देखेंगे कुछ मिलेगा नहीं। इन्होंने जो कार्यकाल आधा और भूपेश जी भूल गए सारे वादा, आधे कार्यकाल में ही वादे भूल गए। क्या वादा भूल गए? सबसे महत्वपूर्ण विषय किसानों के लिए कहा था, कर्जा माफ करेंगे। किसानों के कर्जा आज लोग पूछ रहे हैं कि सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक और छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक के अतिरिक्त इसका कर्ज माफ किया। 2,500 रुपये समर्थन मूल्य देश में पहली बार होगा कि धान बेचने के बाद एक एक साल तक पेमेंट नहीं होता, और वो भी आधा अधूरा पेमेंट इस साल के अंत में होता है, अधूरा पेमेंट। उसमें से 450 करोड़ काट लिया गया वादे के अनुसार। ये भूपेश जी का वादा रहा। और इसके साथ ही साथ इन्होंने एक बड़ी बात कही थी, किसानों को 2 साल का बोनस हम सरकार में आते ही देंगे। 2.5 साल बीत गए, 2 साल का बोनस का कोई पता नहीं, ना उसके बारे में बात करते,
ना ढाई दो साल के बोनस के बारे में कोई योजना के बारे में चर्चा करते, बल्कि जिस प्रकार से आंकड़े आए हैं विधानसभा के अंदर, ये आंकड़े आम आदमी को पीड़ा देने लायक। 439 किसानों ने आत्महत्या दो साल में की है, ढाई साल का भी नहीं है। ये विधानसभा के आंकड़े हैं, ये 500 से ऊपर पहुंच चुके हैं। जिस किसान की बात करते हैं वो किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? और आज तो ये स्थिति है, इन्होंने किसानों के साथ केवल छल ही नहीं किया, रकबा में कटौती। किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? बहुत सारे उदाहरण हैं। कोंडागांव के धनीराम मरकाम ने आत्महत्या कर ली, नकली कीटनाशक की वजह से फसल खराब हो गया। केंद्र सरकार लगातार समर्थन मूल्य बढ़ा रही है, अभी 72 रुपया फिर बढ़ा दिया। 2014 में कहा 1340 रुपये समर्थन मूल्य था धान का, आज आते आते धान का समर्थन मूल्य 72 रुपये बढ़ाने के बाद करीब करीब 1900 रुपया हो चुका। ये लगातार सरकार की योजना। और आज तो भूपेश जी के मंत्री ने एक नई बात कही, रविन्द्र चौबे ने कहा कि हम 8 लाख हेक्टेयर धान की खेती का रकबा घटाने के बारे में योजना बना रहे हैं। पहले तो कटौती कर दिया, उसी से किसान आत्महत्या कर रहा है। अभी नई घोषणा हो गई, 8 लाख हेक्टेयर धान की खेती का रकबा हम घटा देंगे। और बड़ा अजीब बात बता रहे हैं, इसमें दलहन और तिलहन के लिए 2,37,000 एक हेक्टेयर में हम दलहन और तिलहन करेंगे, और 5,60,000 रकबे में एक बहुत शानदार योजना लेके आ रहे हैं, उसमें बबूल कब खेती करेंगे, उसमें वृक्षों की खेती करेंगे, धान को छोड़कर बबूल की खेती क्या कृषि मंत्री करेंगे, क्या मुख्यमंत्री अपने खेतों में लगाएंगे, या किसानों को ही सोच रहे हो कि आप? और एक विषय आज ही पेपर में आपने देखा होगा, किसानों के हितैषी और हित की बात करने वाले भूपेश जी, जब पूरा देश और देश के सारे राज्य वन नेशन वन पेंशन में चले गए, वन नेशन वन राशन में चले गए, पूरे देश में एक राशन कार्ड की व्यवस्था क्यों किया गया? क्योंकि छत्तीसगढ़ से मजदूर पलायन करता है, बिहार से मजदूर पलायन करता है, उत्तर प्रदेश से पलायन करता है, उसको उस राशन कार्ड में नागपुर में जाए, चाहे हैदराबाद में, चाहे बेंगलुरु में जाए, चाहे दिल्ली में जाए, उसको राशन मिलेगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इतनी बड़ी योजना वन नेशन वन राशन, किस योजना को वेस्ट बंगाल ने लागू नहीं किया, किस योजना को दिल्ली ने लागू नहीं किया, और इस योजना को किसान हितैषी भूपेश जी ने लागू नहीं किया, जबकि हमारे लाखों लाख मजदूर हर साल पलायन करके राज्यों में जाते हैं, उनके चिंता भोजन की व्यवस्था, ये केंद्र की योजना है। आपको पूरा पैसा केंद्र सरकार से राशन का मिलता है, अभी तो 80 करोड़ लोगों के लिए राशन की व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने 7 महीने के लिए कर दी। आपको राशन देने में जो पलायन करने वाले मजदूर हैं उसके लिए आप कटौती करते हो, उसको योजना में नहीं डालते हो, ये अजीब स्थिति है छत्तीसगढ़ की। ऐसे महत्वपूर्ण योजना जो राष्ट्रीय स्तर में जिसका क्रियान्वयन पूरा देश कर रहा है, छत्तीसगढ़ इस क्रियान्वयन से अधूक अचूक है। इसका जवाब जरूर देंगे कृषि मंत्री या फूड मिनिस्टर, बताएंगे कि हमने क्यों लागू नहीं किया, क्या दिक्कत है, जब केंद्र सरकार की सहमति मिल गई। कर्ज में डूब चुका है छत्तीसगढ़, कर्ज की स्थिति, ये 2.5 साल के आंकड़े मैं आपको बताना चाहूँगा कि कर्ज में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आपको मैं तुलनात्मक आंकड़े इसलिए बता रहा हूँ कि आप तुलना करेंगे हमारी सरकार से, भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में जब मैं मुख्यमंत्री रहा, इस 15 साल में 33,000 करोड़ का कर्जा हमने लिया, 15 साल। और ये 15 साल में कर्जा 33,000 लिया, और भूपेश जी ने चमत्कार किया, 30 महीने में
30 महीने में 36,170 करोड़ का कर्जा ले लिया। सिर्फ 30 महीने में, ढाई साल हुआ है, 15 साल के रिकॉर्ड को ढाई साल में ही तोड़ दिया। और जिस रफ्तार से कर्जा ले रहे हैं, इस साल में प्रस्तावित कर्जा 18,000 करोड़ का है, यानी 3 साल में 54,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा हो जाएगा। और मैं अनुमान बता देता हूँ आपको, आज इनके कार्यकाल समाप्त होते होते 1,30,000 करोड़ का कर्जा, 1,30,000 करोड़ का कर्जा इस सरकार के ऊपर हो जाएगा। 5 साल में हमने 15 साल में 33,000 करोड़ तक रखा, जो GDP होता है उस GDP के बराबर कर्ज कोई दुनिया में नहीं हो सकता। आज की तारीख में आपको सुनकर आश्चर्य भी होगा कि इनको ब्याज के भुगतान, कर्जा जो अभी दिए हैं, जो बढ़ जाएगा उसका तो और बहुत बढ़ जाएगा, 5,330 करोड़ रुपया सिर्फ ब्याज का भुगतान हर साल इनको करना पड़ता है। और ये स्थिति छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए, यानी आज आर्थिक स्थिति के बारे में ये किया है इन्होंने, अपने घोषणा पत्र में जो बड़े मुद्दे रखे, जिसके बारे में मैं पूछता हूँ कि सवाल तो पूछे जाएंगे, अरे सवाल रोज पूछे जाएंगे आने वाले 2.5 साल तक। मेरे जिलाध्यक्ष और महामंत्री बता रहे थे कि हर वार्ड में जा रहे हैं, शहर में, गांव में, हर हम शक्ति हम हमारे हर मंडल में 3 से 5 से 7 जगह जा रहे हैं, वहाँ जनता के बीच जाके सवाल पूछे जाएंगे। 14, 15 को, 16, 17 को हमारे प्रकोष्ठ के लोग जाएंगे, मंडल के लोग जाएंगे, 13 और 14 को। ये लगातार ये हमारा अभियान 17 तारीख तक चलेगा, और 17 तारीख को प्रदेश स्तर में एक प्रेस के माध्यम से इसका समापन होगा। इन्होंने कहा था, जिसको मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, गंगा जल हाथ में लेके कसम खाई थी, गीता हाथ में लेके कसम खाई, पूर्ण शराबबंदी करेंगे। पूर्ण शराबबंदी तो नहीं हुआ, घर घर पहुँचा के शराब, और शराब का जो रूप आज देखने को मिल रहा है, आफ्टर इफेक्ट जो रहा है, महासमुंद के 6 लोग, एक उसकी माँ और उसकी 5 बेटियाँ ट्रेन के सामने सो जाती हैं, शराब में पिया शराबी उसका पति मार मार के उसको घर से बाहर कर देता है। और ये शराब का ये इफेक्ट है उमेश जी, जो 6 लोगों की आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। और इसके लिए सरकार की योजनाएं जवाबदार इसलिए मानता हूँ कि लोगों ने तो विश्वास किया था कि आज पूर्ण शराबबंदी करेंगे, और शराबबंदी का आज जो प्रतिक्रिया आ रही है, कानून व्यवस्था की स्थिति 2.5 साल में, ये समीक्षा करने का वक्त है। सरकार भी शायद कैबिनेट में बैठ के इस बात की चिंता करते होंगे, कैबिनेट में इस बात को देखते होंगे, उनके DG और उनके पुलिस के अधिकारी बताते होंगे कि कानून की व्यवस्था की स्थिति क्या है, लॉ एंड ऑर्डर क्या स्थिति में है छत्तीसगढ़ में। आज मैं कुछ छोटे छोटे विषय आपको बताना चाहूँगा। एवरेज छत्तीसगढ़ में 7 बलात्कार रोज हो रहे हैं, रोज 7 बलात्कार हो रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में 1,828 हत्या, 1,281 हत्या के प्रयास, 4,900 बलात्कार, 12,800 चोरी डकैती के मामले आए। मुख्यमंत्री जी के और गृह मंत्री जी के क्षेत्रों में पाटन से लेकर दुर्ग जिले में जो हालत है कि दुर्ग के खुड़कुड़ा में और पाटन में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की जो मृत्यु होती है, ये सारी व्यवस्था ये बताता है कि दुर्ग जिले हो या पाटन हो या पूरा छत्तीसगढ़ हो, अपराध की स्थिति बद से बदतर हो गई है। और किस प्रकार पूरे प्रदेश में सामूहिक बलात्कार की घटनाएं हो रही है, हत्या की घटना हो रही है, इन सारी योजनाओं के साथ साथ किसानों की आज जो स्थिति है, घोषणा पत्र में जो वादा था, और एक विषय जो उससे महत्वपूर्ण है वो है बेरोजगारों की समस्या। बेरोजगारों के गली गली में फॉर्म भराए गए,
आज मैं कहता हूं कि बेरोजगारी भत्ता देने की बात तो छोड़िए, 10 लाख नौजवानों को वादा किया था, फॉर्म भरा के वादा किया था 2500 रुपया देंगे, हर महीने 2500 रुपया देंगे। युवकों ने भरोसा किया, वो तो नहीं हुआ। नौजवान आज मजबूर होके आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है। नौकरी का वादा किया था 1 लाख नौकरी, 2.5 साल में बताएं तो कम से कम। इनका भी 2.5 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, 2.5 साल में इन बातों का जवाब एक एक बिंदु से देने के लिए मैं आग्रह करता हूँ कि 1 लाख के अगेंस्ट में जो नियुक्ति मैंने शुरू की थी, जिस नियुक्ति की प्रक्रिया पूरा करके आया था, 14,600 शिक्षा कर्मी 2,000 को ले लिया और बाकी के साथ जब 12,000 नवयुवक अपने रोजगार की बात करते हैं तो उनको पुलिस भेज के उठाया जाता है, उनको धमकी चमकी दी जाती है।